What's up guys, welcome to the Gamer Solutions. Today we are going to play EO Tennis 2, Australia Open Tennis 2. जैसे कि तुम जानते हो EO Tennis 2 का बहुत ही बढ़िया गेम है। उसके ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं। तो अगर पहले की थोड़ी टेनिस की हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो EO Tennis 2 वन था जो 2018 में आया, और EO Tennis 2 अभी कुछ महीने पहले 2020 में आया है। उससे पहले हमने बहुत साल वेट किया था। उससे पहले वर्चुअल टेनिस 4 था, वो आया था 2011 में। उसके बाद 7 साल हमने वेट किया, फिर EO Tennis आया। अभी हम स्टिल वर्चुअल टेनिस 5 का वेट कर रहे हैं कब आएगा, मगर इस गेम के भी ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। तो ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अब हम गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम मैच डिफ़िकल्टी को एमेच्योर सेलेक्ट करेंगे। करेंसी डॉलर, पॉइंट सिस्टम स्टैंडर्ड ही रहेगा। वेन्यू ऑटोमेटिक वेन्यू डाउनलोड वेन्यू ऑटोमेटिकली यस ही रखेगी। डिसाइडर सेट, टाई ब्रेक, ये सब एक ऐसे ही रहेगा। फ्यूचर गेम्स पर सेट, हम एक सेट में 2 गेम्स रखेंगे। चैलेंजर सीरीज में भी 2 ही रखेंगे। वर्ल्ड क्लास में भी 2 रखेगा। अगर इसको हमने ज़्यादा 6 किया तो हमारा एक ही मैच 1 घंटे का हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम में भी 2 गेम्स रखेंगे और सेट हम 1-1 करेंगे ताकि हमारा एक मैच 5-5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाए। ग्रैंड स्लैम का ठीक है, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। इसमें थोड़ा हम डबल 10 से 15 मिनट में ख़त्म होगा अगर हम 3 सेट करेंगे तो। इसको यहाँ पर हम 3 सेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो हम हमारा कस्टम स्टार प्लेयर नहीं, हम अपना कस्टम प्लेयर बनाएंगे। चलो स्टार प्लेयर पे देखते हैं क्या होते हैं। राफेल नडाल, न्यू प्लेयर से बनाएंगे हम। तो फर्स्ट मैं जल्दी से इसका नाम चेंज कर देता हूँ। सरनेम का मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ बर्थ पे हम यही रखेंगे, ज़्यादा नहीं चेंजेस करेंगे। वॉइस भी ठीक सेम ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिया कर देते हैं। यहाँ पर इंडिया रेजिडेंस भी हम इंडिया करेंगे। इंडिया हो चुका है। तो अपीयरेंस में हाइट हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा जल्दी से इसको आगे लेके जाएंगे। ज़्यादा टाइम इस पर अब कस्टमाइजेशन पे नहीं लगाएंगे। ये बेटर लग रहा है मेरे को, इसकी हाइट और हम बढ़ा के यहाँ पर कर देते हैं। हम ऊपर बॉडी तो क्लोथिंग हम सही रखेंगे, राइट हैंडेड रखेंगे। टू हैंड बैक हैंड की जगह हम 1 हैंड कर देते हैं। ग्राउंड स्ट्रोक जेनरिक भी सिलेक्ट रहेंगे। नेट एग्रेशन बढ़ा देते हैं हम इसका 70 ठीक है। प्रेफरेंसेस ऑलराउंडर, गेम स्टाइल ऑलराउंडर ओके। फ्लैट सर्व हम ज़्यादा रखेंगे। फोरहैंड टॉप स्पिन, फ्लैट फोरहैंड और टॉप स्पिन यही डिफरेंस है कि फ्लैट हम जब हिट करेंगे तो उसमें पावर ज़्यादा होगी और टॉप स्पिन में कंट्रोल ज़्यादा मिलेगा हमें, मगर टॉप स्पिन में पावर कम हो जाएगी।
ड्रॉप वॉली के बजाय हम वॉली और फर्स्ट सर्व, ठीक है अब कैरियर को स्टार्ट करेंगे। There you are. Have a seat, have a seat. I'm so happy you've turned pro. I knew you had this in you from when you were just a child. We'll catch up from time to time, run through some important decisions and do what we can to get you some titles, and then, who knows, world number one? Have a look through your tablet, as this is where we'll work on things like training, sponsorship decisions, and more. तो हमारा करियर मूड स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं भारी प्लेयर के भी कोई रैंकिंग नहीं है, हमें कुछ टूर्नामेंट जीतने होंगे। तो फर्स्ट वीक में चेक करते हैं कौन सा टूर्नामेंट है, या ये फ्यूचर है ईरान में $3,600 का हम ये खेलेंगे। ये तो डबल्स का है, ये सिंगल्स में फर्स्ट का हम इसमें प्राइज मनी कम है, रेस्ट लेते हैं। सेकंड में हम खेल सकते हैं, ये खेलेंगे हम सिंगल्स। ओके, क्ले कोर्ट का टूर्नामेंट है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा मैच है आर्टेकिडा के साथ। हमारी ओवरऑल रेटिंग देखा जाए तो उसे बस एक ही ज़्यादा है, बाकी हमारा गेम के अंदर मेन फोकस रहेगा सर्व एंड वॉली पे। अटैक हम ज़्यादा खेलेंगे इसके अंदर, डिफेंस का हम कम यूज करेंगे, बिकॉज देखा जाए तो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। गेम तो छोटा होने वाला है, यू लुक एट टू आर द ग्राफिक्स, ग्राफिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, welcome to this first round men's match. Please give it up for the players as they take to the court. सर्विस को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा प्लस पॉइंट सर्व एंड वॉली रहेगा। हम अटैकिंग के स्टार्ट करेंगे गेम को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्लाइस सर्व के साथ, क्योंकि ओपोनेंट को बाहर की तरफ निकालेंगे वाइट साइड और ओपोजिट साइड वॉली को हिट करेंगे। ट्राई करते हैं और हम आगे गए और ओपोजिट साइड वॉली को फिनिश किया। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही बेहतरीन था, एक ही स्ट्रोक में हमने इसको ख़त्म किया। अगेन हम आउटसाइड निकालेंगे ओपनर को विद फर्स्ट सर्व, आगे जाएंगे और अगेन ओपोजिट साइड, ये वाओ ब्यूटीफुल बैक हैंड स्मैश। स्मैश अच्छा था, मुझे लगा डायरेक्ट स्मैश मांग रहेगा, मगर इसने बैक स्मैश भी मारा, क्योंकि बहुत ही अच्छा था। अगेन हम बाहर, तो अब तो फॉल्ट हो गया है, सेकंड सर्विस मिलेगी। सेकंड को भी हम कम मार्जिन से और फर्स्ट हिट करेंगे फ्लैट, और ये तो बिल्कुल अगेन हमने वॉली से फिनिश किया और हमें 14 लव अप है, एक पॉइंट चाहिए हमें गेम जीतने के लिए। और ये फॉल्ट हुआ, सेकंड सर्विस मारते हैं बैकहैंड पे, और ये ये हमारा फर्स्ट गेम हम जीत चुके हैं, स्कोर इज 1-1। अगर हम ये गेम जीता तो हम
हमारे फर्स्ट ओपोनेंट को हरा देंगे। अब आगे जाते हैं, अब हम और अपोजिट साइड। ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट, हम एक तरफा ओपोनेंट को हरा रहे हैं। अब तो हमारी बस शुरुआत है, आगे लेवल और भी टफ हो जाएगा। पावरफुल शॉट को हिट किया हमारी तरफ, हमें पता ही नहीं चला। तो नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट हिज बैक हैंड। अब ये अच्छा था, हमने 6 पॉइंट लगातार जीते और ओपोनेंट को एक ही पॉइंट दिया है। अब क्रॉस कोर्ट हमारे, ओ माय गॉड, पोस्ट एरर किया हमारे प्लेयर ने। अपोजिट साइड और अप्रोच करेंगे हम। ओ ये तो बेहतरीन गोली, गोली हिट करने से पहले हमारे प्लेयर ने ड्राइव फोर हैंड हिट किया, ड्राइव वोली फोर हैंड। और ये फॉल्ट, एक पॉइंट रह गया, हम ये मैच को जीत जाएंगे। लेट्स टारगेट अगेन और ब्यूटीफुल, हम हमारा फर्स्ट मैच जीत चुके हैं। बस तो हमारी 83% इन रही, अनफोर्स्ड एरर हमने कोई भी नहीं किया। चल देखा जाए तो मैच तो एक तरफा ही था, हम बहुत ही इजीली हमारा फर्स्ट मैच को जीते। और ये हमने हमारी फर्स्ट फोटो वॉल पर लगा दी है। हमारा सेकंड राउंड होगा वाइजन के साथ। ओके सो स्टार्ट करते हैं मैच को। हमारी टैक्टिक्स भी सेम ही रहेगी, अटैक हमने लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा हमने अटैक किया था, इस मैच में भी हम अटैकिंग से खेलेंगे। सर जब भी हमें मौका मिलेगा हम अप्रोच शॉट खेल के नेट पे जाएंगे। डिफेंस को हम कम करेंगे। Ladies and gentlemen, welcome to the second round men's match. Please put your hands together for the players as they walk out onto the court. Okay, एक सर्विस एक ऐसी चीज है, आप फर्स्ट पॉइंट में ही डायरेक्ट जीत सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव स्ट्रोक है। तो अब हम चलो ट्राई करते हैं, टी पे एस के लिए जाएंगे, हम पावर से हिट करेंगे और टी पे, और आउट हिट किया। तो हमने लास्ट पॉइंट में मार्जिन से नहीं खेला, उसी वजह से बॉल आउट रही थी। ये अच्छा था, ओपनिंग को कोर्ट से 15 बाहर निकाल के हमने अपोजिट साइड बॉल को हिट किया। अब हम स्लाइस हिट करेंगे, अच्छा पॉइंट खेला ओपोनेंट ने। हम डिफेंस पे रहे और उसने अच्छा अटैक किया। सेकंड सर्विस ट्राई करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा।
एक तरफा जीते हम देखा जाए इस पॉइंट को तो मौका ही नहीं दिया हमने सामने वाले को। जो फर्स्ट सर्विस हमारी फॉल्ट हो गई है, सेकंड को भी हम फ्लैट हिट करेंगे मगर मार्जिन के साथ। ये भी हमने सर्वेंट पोली के साथ 43 पॉइंट को फिनिश किया। सर्वेंट पोली कर रहे हैं तो हमारे लिए जितना बहुत ही इजी हो रहा है। लेट्स सी, हमने दौड़ाया इधर उधर, लेट्स हिट डाउन द लाइन और डाउन द बैक एंड नेट में हमारा जो कि एक अनफोर्स एरर था। हमारे प्लेयर ने अभी तक तो अनफोर्स एरर किया और ओपोनेंट ने अभी तक एक भी नहीं किया। अब हम आगे जाएंगे और अपोजिट साइड करने की कोशिश की मगर ओपोनेंट ने कंटिन्यू अटैक किया हम पर। अब आगे अटैक करेंगे मगर ये ड्राइव वाली हिट होने की वजह से ये स्ट्रोक आपने देखा कि ड्राइव वाली हिट की बैकहैंड उसकी वजह से स्ट्रोक की पावर कम होगी। इस गेम के अंदर ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अब फॉरहैंड बैकहैंड ड्राइव वॉली हिट कर रहे हो उससे पावर कम हो जाती है मगर वॉली से पॉइंट वॉली की हिट करके तो बॉल की स्पीड ज़्यादा रहती है तो वॉली हिट करेगा तो बॉल जल्दी ख़त्म होगी। हम तो 30 ओवर है, हमें लगातार 2 पॉइंट जीतने होंगे मैच को जीतने के लिए। और डाउन द लाइन हिट करके हम आगे को ये ओपोनेंट ने स्लाइस मार के पॉइंट को जीता। ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे इसे। अरे तो 1-1 हो चुका है। कैन हमारा फर्स्ट पॉइंट तो 7 पोली है जिसमें हम बहुत इजीली पॉइंट्स को जीत रहे हैं। और ये स्मैच के साथ पॉइंट को फिनिश किया। 30 टी पे जाएंगे, हम टी पे बॉल को हिट करेंगे फर्स्ट सर्विस। नो, डाउन द लाइन 4 एंड हिट किया मगर अभी भी हम 30-15 अप है। और ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट। अब एड साइड एक और गेम की जीत, हमें मैच जीतना तो एक और गेम जीतना होगा। अब आगे जाएंगे हम उससे बेहतरीन पॉइंट। थैंक यू।
फर्स्ट बॉल हम ओपनेंट की बैकहेंड पे हिट करेंगे और अब क्रॉस कोर्ट हिट करके अप्रोच करेंगे और ये पॉइंट को हमने फिनिश किया। अगर हम पीछे ही खेलते तो ये पॉइंट फिनिश नहीं हो पाता, हो सकता है कि ओपोनेंट इसको जीत जाए। तो अगर सर्वेंट फॉली करेगा तो ये इजी हो जाता है और ये तो विनर हिट किया हमारे प्लेयर ने और ये मैच पॉइंट आ गया है और हम बैक एंड का थोड़ा टारगेट लेके क्रॉस को हिट करके अब आगे जाएगा और अपोजिट साइड वॉली करने की स्मैश। ये आपने देखा हम अपना सेकंड मैच 3-1 से जीते जिसमें से हमने नेट पॉइंट 13 out of 12 जीते। ये तो बहुत अच्छा जो हमारा स्कोर रहा, जितने का परसेंटेज हमारी अच्छी है। अब हम थर्ड राउंड में पहुंच चुके हैं, हमारा मैच जिसके साथ है क्योंकि रेटिंग 46 है, हमारे इक्वल ही है क्योंकि हमारा प्लेयर कम टायर्ड है, वो ज़्यादा टायर्ड है इस मैच के अंदर। इसमें भी हम सेम वही टैक्टिक से खेलेंगे, अटैकिंग हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इसके अंदर अटैक करके ज़्यादा खेलेंगे। सर्वेंट वॉली हमारी सर्विस आएगी तो हम मैक्सिमम टाइम वही करेंगे। जब हमारी रिसीविंग होगी तब भी हम कोशिश करें कि हमें ओपनिंग को बाहर निकालें और अप्रोच करें। नेट पे ज़्यादा रहेंगे हम। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस थर्ड राउंड मेंट, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द प्लेयर्स एज़ दे वॉक आउट ऑन टू द कोर्ट। ओपनिंग ने सर्विस और टॉस जीता और सर्विस सेलेक्ट की। एमबीसीएस ही हो गया, हमने ज़्यादा लाइन पे हिट करने का सोचा लाइन पर, मगर बॉल आउट गई। वह थोड़ा अंदर टारगेट ले गए हम ताकि बॉल कंट्रोल में रहे, ये अच्छा था। मौका देखते ही हम नेट पे चले गए और पॉइंट को फिनिश किया, ओपोनेंट को सोचने का मौका भी नहीं दिया हमने। अगेन हम आगे जाएंगे, इसके साथ ओपनिंग को इधर उधर भगाया। 15-30 हम अप है, अपोजिट साइड हिट करके और जस्ट वॉली हम हिट करना पसंद करेंगे। इसको तो हमने बहुत भगा रखा है प्लेयर को, तो बेचारा का क्या हल हो रहा है। अमेजिंग वॉली, 15-40। फिर हम पॉइंट को जीतते तो उसकी सर्विस को हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे। लेट्स टीम अप्रोच करेंगे और अपोजिट साइड पॉइंट को मिस किया हमने। ये तो गेम बहुत इजीली जीता हमने। डाउन द लाइन सर्विस को एस के लिए हम जाएंगे, एस तो नहीं गया मगर ओपोनेंट ने बहुत ही अच्छा लो हिट किया और आउट। तो मार्जिन भी लिया था मगर फिर भी बॉल आउट गई। ये अच्छा पॉइंट था,
स्लाइस हिट करते हम बाहर की तरफ। ये ओ ये अच्छा था कि हम कोर्ट से बाहर निकला, बॉल को नेट में ही मार दी। हम जब भी सर्विस पे जा रहे हैं आप देख रहे होगी हम इजीली पॉइंट को जीत पा रहे हैं। सेकंड सर्विस को हम बैकहेंड पे हिट करके ये अपने थर्ड राउंड को इजीली जीता। अब हमने क्वालिफाई कर लिया है इस टूर्नामेंट के अंदर। हमारे दो मैच और रह गए हैं, अगर हमें वो भी मैच जीते तो हम टूर्नामेंट को जीत जाएंगे और हमारी रैंकिंग आ जाएगी। अब हम सेमीफाइनल में हैं, हमारा मैच भी इसके साथ है, उसकी ओवरऑल रेटिंग 59 है, 59 बहुत ही बेटर हमारे से, पावर भी स्टेमिना सब कुछ ज़्यादा है, मगर हम फिर भी नहीं छोड़ने वाले इसको, इसको भी वैसे ही भगा भगा के मारेंगे। हमारी ओवरऑल रेटिंग ज़रूर कम है मगर हम नहीं छोड़ेंगे इसको। हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू दिस सेमीफाइनल। जरूर जीतेंगे। प्लीज गिव इट अप फॉर द प्लेयर्स एज़ दे टेक टू द कोर्ट। हमारे ओपनर तो उसी तरह की सर्विस को सिलेक्ट किया, कोई बात नहीं, हम पहला फॉल्ट को फॉल्ट हिट किया, सर्विस को नेट में हिट किया। अब फॉल्ट सेकंड भी फॉल्ट, लव 15, पहला पॉइंट तो हमें वैसे ही मिल गया, कोई एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम आगे जाएंगे और ड्राइव वॉली को अपोजिट साइड ही किया, या अगर वॉली करता तो जल्दी हिट होता, और इसलिए प्रॉब्लम लग रही है हर बार। ये अगेन कंफ्यूज कर दिया, उसका प्रेडिक्शन तो हमसे 60% है, हमारा 40, मगर फिर भी हम ही जीतेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम इसको, सोच करके अच्छे से भगाएंगे। नहीं पॉइंट तो ओपोनेंट ने बहुत ही अच्छा खेला। अब हम चिप एंड चार्ज करी, हमने बॉल को रिटर्न करते हमने मैच को जो बहुत ही आसानी से पॉइंट को जीता। अगेन हम सेम ट्राई करते हैं, चिप एंड चार्ज, स्ट्रोक हिट करेंगे, ड्राइव हिट किया, ड्रैगन फोर हैंड। फ्लैट साहब ने पूरी पावर से मारी और अपोजिट अपोजिट साइड हिट किया। गेम हम बाहर निकालते हैं बॉल को और ये हमारे प्लेयर ने फर्स्ट को फॉल मारा, मगर हमें नहीं, मार्जिन पे भी हिट किया था हमने, ये फॉल्ट
मुझे गुड वॉली की। 30-15 ओपोनेंट को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं था इस बॉल के अंदर और ये अच्छा स्मैश। 40-15 फर्स्ट बॉल पे ही हमारा फर्स्ट एस हमने हिट किया, ये हम सामने फाइनल को जीत गए हैं। हमने टोटल मैच के अंदर 8 पॉइंट जीते और हमारे ओपोनेंट ने 3, तो विनिंग परसेंटेज हमारी अच्छी। अब हम हमारे फर्स्ट फाइनल के अंदर पहुंच गए हैं। हमारा मैच जिसके साथ है उसकी भी रेटिंग 59 है, उसको भी हम अच्छे से हराए गए। चाहे कितनी ही इसकी रेटिंग हो, तो हमारा फाइनल मैच और दो ही गेम हमें जीतने पड़ेंगे और हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे और हमारी रैंकिंग ATP के अंदर आ जाएगी। अभी हमारे प्लेयर की कोई भी रैंकिंग नहीं है, तो टूर्नामेंट होने के बाद ही रैंकिंग अपडेट होगी। प्लीज गिव द प्लेयर्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एज़ दे टेक टू द कोर्ट। अच्छा शॉट मारा, गुड शॉट वाज अमेजिंग, मगर हम कौन सा इसको खेलने वाले हैं। हम भी हमने अपने ऑफेंस को कंटिन्यू रखेंगे और अब स्लाइस हिट करेंगे हम, और ये तो बिल्कुल ये कट हुआ था पॉइंट। स्लाइस हिट करके अपने उनको बाहर निकाला था हमने। ट्री पे एस के लिए हम जाते हैं और ये तो गुड पॉइंट, एस तो नहीं गया, हमने पावर से बीट की क्योंकि हमारे पॉइंट प्लेयर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो बॉल को जोर से हिट कर सके। अगेन हम अब टी पे हिट करेंगे और ऑपोजिट साइड हमारे ओपनेंट एक पॉइंट जीता, मगर हम अभी भी 40-30 अप है, एक ही पॉइंट जीतना हमें और ये गेम हम जीत जाएंगे। और ये पॉइंट हमने सर्वेंट वैल्यू से मिस किया, ये गेम हम जीते तो हम टूर्नामेंट को ही जीत जाएंगे। फर्स्ट सर्व को ओपोनेंट ने फॉल्ट मारा, सेकंड सर्व से हम बैकहेंड पे हिट करते हैं। अब ओपोजिट साइड हिट करके अप्रोच करेगा और ये अरे अरे तो 15 लाख पता ही नहीं चलने दिया हमने कब लो बीट किया, हमारे ऊपर से ही बॉल चली गई। आगे जाएगा अब हम, ये अच्छा पॉइंट था, हमारा स्कोर 15-0 है, 3 पॉइंट की और जरूरत। अब ओह माय गॉड, लगातार हमारे अपने ऑफेंस किया, हम डिफेंस पे ही लगे रहे, फिर से पॉइंट हमारे 40-15 बैक हैंड अच्छा हिट किया।
अब आगे जाएंगे और हमारा वन ओवर हो चुका है और हम हमारा सेकेंड गेम हार चुके हैं, मगर अभी भी हमारी बहुत उम्मीद बची हुई है, अब हम हरा के ही मानेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने 7 पॉइंट के साथ फिनिश किया। ओपोनेंट को तो मौका ही नहीं मिला। अगेन उसी टैक्टिक्स के साथ हमने 2 पॉइंट्स जीते। लेट्स सी क्या हम इस पॉइंट को भी वैसे ही जीत पाएंगे या ये फिर से ओपोनेंट की तो हमने रेल बना रखी है यहाँ पर, बस कभी इधर कभी उधर भगाए ही जा रहे हैं। कैन वी वॉन्ट दिस पॉइंट अगेन? हमने इस गेम को 1 मिनट के अंदर ही जीत लिया है। लेट्स पॉइंट, मगर हमें टारगेट हमारे ज़्यादा लाइन के पास होगा तो आउट भी जा सकता था, मगर बॉल हिन थी ये अच्छा हुआ। ये हम मार्जिन से हिट कर रहे हैं फिर, अरे ये ओ बड़ी पावर से शॉट मारा तो मौका ही नहीं मिला। मैं फिर फोर्स एरर किया। नाउ स्कोर इज 1-2 and 15 30-15। और ये अपोजिट हमारा दिल बनाई, मगर अभी ऐसे हम जाने नहीं देंगे इसको। हमने हमारा मेन चीज छोड़ दी थी इसके अंदर ऑफेंस करना, हमारी सर्वेंट में भी बैटर है। जैसे अभी हमने सर्वेंट बोली कि ऐसे ही किए गए तो ज़रूर हम इस मैच को भी जीते गए। और ये आउट बॉल हिट की और हम ड्यूस के आगे हैं 2 पॉइंट और। अब आगे हम जाएंगे और आइए अंडर लैग हमारे प्लेयर ने मारा। बहुत ही पावरफुल शॉट हिट किया। ये मैच टफ होता जा रहा है। और ये अनफोर्स है, टाई ब्रेक आ गया है। रिएक्ट ही नहीं कर पाया। सर्वर चलो डाउन द लाइन मार्जिन सेट कर, मगर 1 पॉइंट हमारे 2-0 हम डाउन है। टफ हो गया हमारे लिए इस मैच को जीतना, अगर हम 1 पॉइंट लेते और राहत मिली उनको बाहर निकाले गए हम।
हमारे सर्वेंट वॉली को कंटिन्यू रखेंगे और टू ऑल स्कोर के साथ हमने बराबरी की। ये वॉली हमारी सर्विस नेट में लगी। अब ये बेहतरीन वॉली के साथ हम एक पॉइंट अप, 7 पॉइंट्स का ये टाई ब्रेक है। ये पॉइंट डिसाइड रहे, जो भी जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। वैसे तो और ये हमने मौके पे चौका मारा, मौके देखते ही अप्रोच किया और 4-2 हम अप हो गए। डिफेंस करते तो ये भाई साहब तो जाने ही नहीं देते हमें थोड़ा। अब हम फिर से आगे जाएंगे और अपोजिट साइड फिनिश किया। 5-2 सर्वर। अब 5-2 अप हम। तो स्कोर हमने हिट किया और हमारे विनर के साथ स्लाइस अब हम हिट करते हैं। कोशिश करेगी बॉल बाहर जाए और हम हमारे बस चैंपियनशिप पॉइंट की तरफ आ गए हैं। मैच पॉइंट है ये, जीते तो हम मैच हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट जीत जाएंगे और हम अप्रोच करेंगे और अपोजिट साइड फिनिश। यस, वी हैव वन आवर फर्स्ट मैच। हमारा फर्स्ट मैच टूर्नामेंट हमने योर फर्स्ट टूर्नामेंट विन। लेट्स रिमेंबर दिस मोमेंट। आई ऑलवेज न्यू यू हैड इट इन यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो वेयर टू फ्रॉम हियर? फर्स्ट टूर्नामेंट जीतते ही हमारी रैंकिंग वर्ल्ड में 660 आ गई है। तो अब हम तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।